गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड, टेक आउट योर इंग्लिश रीडर बुक, कम ऑन टू पेज नंबर 23। आज भी हम लोग सेम स्टोरी पढ़ेंगे, तेनाली रामा द सेकेंड की। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी लेट अस रिकॉल वट एवर वी हैव स्टडीड येस्टरडे। तो कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि केशवा जो था वो अपने नेबर्स की काव से बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि जो भी बनाना प्लांट्स उसने अपने फार्म में लगाए थे वो काव खा लेती थी। जितने भी पम्पकिन पैचेस थे, पम्पकिन जहाँ पे उसने लगाया था उनको डिस्ट्रॉय कर देती थी काव। और यहाँ तक कि केशवा की मदर ने जो मेरी गोल्ड फ्लावर्स उगाए थे ना, उसको भी काव ने खा लिया था। तो वो बहुत परेशान हो गया था। और उसके फादर ज़्यादा अमीर नहीं थे, वो पुअर थे, दैट इज़ वाई ही वॉज अनेबल टू बिल्ड अ फेंस, है ना, बिल्ड अ बैम्बू फेंस। तो वो इसी चीज़ से बहुत परेशान हो गया था। तो वो आता है, यंग कृष्ण देवराया के पास आता है और अपनी प्रॉब्लम बताता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद दी स्टोरी। स्टॉप ग्रोइंग पम्पकिंस, सेड वन कोटिया। अब एक कोटिया कहता है, कोटिया कौन होते हैं, दरबारी, जो किंग के पैलेस में लोग होते हैं, जो काम करते हैं किंग का, उन्हें हम कहते हैं कोटियर्स। ठीक है, तो उनमें से एक कोटियर कहता है कि तुम पम्पकिन ही उगाना बंद कर दो। पम्पकिन क्या होता है, पम्पकिन कद्दू, जो हम लोग खाते हैं ना, कद्दू वेजिटेबल खाते हैं, उसे इंग्लिश में हम पम्पकिन कहते हैं। देन व्हाट विल वी ईट, केशवा आस्क्ड। अब केशवा से जब कोटियर कहता है कि तुम पम्पकिन ही उगाना बंद कर दो, तो केशवा कहता है अगर हम पम्पकिन उगाएंगे नहीं तो हम क्या खाएंगे। द मैन नाउ स्टार्टेड लाफिंग अलाउड। अब जो आदमी इन बच्चों का रोल प्ले देख रहा था, इन बच्चों का प्ले देख रहा था, वो जोर जोर से हंसने लगा। अलाउड मीन्स जोर से हंसना, ठीक है, अलाउड मीन्स जोर से। नाउ सी दिस पिक्चर, ये पिक्चर आपकी बुक में होगी, इस पिक्चर को देखो कि यहाँ पे ये जो बॉयज़ हैं यही तो रोल प्ले कर रहे हैं ना, यही तो एक्टिंग कर रहे हैं। और इनकी एक्टिंग और इनका प्ले कौन देख रहा था, इनका प्ले ये मैन देख रहा था। और जैसे ही ये बात सुनता है कि एक कोडिया जब कहता है कि तुम पम्पकिन ही उगाना बंद कर दो, जब केशवा कहता है कि फिर हम खाएंगे क्या, तो इन बच्चों की बातें सुनकर ये जो मैन होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। द बॉयज वर अस्टॉनिश्ड टू फाइंड आउट दैट समवन वॉज वॉचिंग देम। अस्टॉनिश्ड, अंडरलाइन दिस वर्ड अस्टॉनिश्ड। सो द यंग तेनाली रामा आस्क्ड, हैव यू बीन लिसनिंग टू अस सर, डू यू हैव अ सोल्यूशन। अस्टॉनिश्ड का मतलब होता है सरप्राइज्ड, है ना, बहुत चक्के हो जाना या आश्चर्यचकित हो जाना। तो जैसे ही उन बॉयज़ को पता लगा कि उनका प्ले कोई देख रहा था, वो बहुत सरप्राइज हो गए, वो बहुत चक्के रह गए। ठीक है, तो जो यंग तेनाली रामा था, उन बॉयज़ में से एक बच्चा तेनाली रामा की एक्टिंग कर रहा था ना, तो वही तेनाली रामा, वही बच्चा पूछता है कि हैव यू बीन लिसनिंग टू अस सर, क्या आप हम लोगों को सुन रहे थे। अगर आप सुन ही रहे थे तो क्या आपके पास कोई सोल्यूशन है इस बात का। वेल द मैन सेड, केशवा कुड सेंड हिज गोट्स टू डिस्ट्रॉय द नेबर्स गार्डन। तो वो जो मैन होता है वो कहता है कि केशवा जो है वो अपनी गोट्स को भेज सकता है अपने नेबर के गार्डन में, जिससे उसकी गोट्स उसका गार्डन, उसके नेबर का गार्डन डिस्ट्रॉय कर दें। आई कांट, माई नेबर इज अ रेस्लर सर, केशवा सेड। अब केशवा कहता है कि मैं नहीं भेज सकता, क्योंकि जो मेरा पड़ोसी है, नेबर जो है, नेबर कौन होते हैं, पड़ोसी होते हैं, वो एक रेसलर है। रेसलर कौन होते हैं, रेसलर बहुत स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं ना, रेसलर को हिंदी में हम पहलवान कहते हैं ना, जो पहलवानी करते हैं। तो इसीलिए केशवा अपनी गोट्स को अपने पड़ोसी के फार्म में नहीं भेज पा रहा था, क्योंकि वो एक रेसलर था। So this is all for today. Underline the hard words, practice the pronunciation of the hard words, and also learn the spellings of the hard words.